नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार गरमाने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। टनकपुर में सीएम धामी के समर्थन में भव्य रोड शो किया। रोड शो करने के बाद सीएम योगी सहित तमाम भाजपा नेता जनसभा स्थल पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि चंपावत की जनता के पास इस बार एक बड़ा अवसर है। इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ की जनता को सीएम धामी को अपना समर्थन देना होगा। बता दें कि चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। चंपावत वासियों का सौभाग्य है कि चंपावत उत्तराखंड को नेतृत्व देने के लिए ये सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ ही पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से अपील करूंगा कि पुष्कर सिंह धामी जी को 31 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के 1997 में चर्चित तुफैल हत्याकांड में पैरवी कर रहे भाई चमन ने अब खुद की हत्या की आशंका जताई है। वहीं खुद की हत्या की आशंका जताते हुए चमन एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की मांग उठाई है। जबकि हत्याकांड के करीब 25 साल बाद पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी मुजाहिद खान गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद तुफैल हत्याकांड में पैरवी कर रहे उनके भाई चमन ने खुद की हत्या की आशंका जताई। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मामले की जांच सीओ तृतीय श्वेताभ पांडे को सौंप दी है। मेरे भाई की हत्या कर दी थी 6 तारीख 5 महीने 2006 में छल थाने के अंदर मुजाहिद और मुजाहिद के साथ हमने अपने भाई के लिए मतलब मैंने दवाई भी दे दी है, मेरे भाई ने भी दवाई दे दी है, मेरी जान संभालने की धमकी देती हूँ। अपने लिए मैं सुरक्षा चाहता हूँ और ये बहुत बड़े आतंकी उग्रवादी हैं, बहुत लोगों के कत्ल किए उन्होंने और मेरी भी हत्या करना चाहते हैं। बहुत सारे कुछ फैसला कर ले, फैसला नहीं। आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विवाहिता और उसके प्रेमी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दरअसल विवाहिता से मिलने आए प्रेमी को ससुराल वालों ने पकड़ लिया और दोनों को गोली गली में दौड़ाकर डंडों से पीटा और फिर दोनों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। विवाहिता की मां की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसमें जो मुकदमा लिखाया गया है, जो पीड़िता जो लेडी जिसकी हत्या हुई थी उसकी मां के द्वारा लिखाया गया है और दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें 6 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, पूरे परिवार के लोग हैं उसमें, मेल और फीमेल मिला के, जिसमें से 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी 2 की तलाश की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा जो मर्डर हुआ है युवक का, उसकी मां के द्वारा भी एक तहरीर मर्डर की दी गई थी, वो भी शामिल उसके अंदर कर ली गई और 304B 302। बदायूं नगर पंचायत अलापुर मेन मार्केट में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेते हुए दोबारा अतिक्रमण करने वाले कई लोगों के चालान काटे, जिससे व्यापारियों में रोष देखने को मिला। वहीं इस कार्रवाई के दौरान मौके पर एडीएम ऋतु पुनिया और अधिशासी अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के संबंध में ये आदेश है कि सारे जो मेन रोड पर जो अतिक्रमण हो गया है उनको हटाना है। मार्केट में जो अतिक्रमण किए हुए हैं दुकान भाई, उनका जो दुकानें जो नाले के पास या नाली को घेर रखा है उस सबको हटाना है और टीन सेट जो है उसको भी हटाना है ऊपर। सर अन्य बाकी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं दोबारा उनको। प्रतापगढ़ की लालगंज कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए असलाह बनाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 तमंचे समेत नकदी भी बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। महोदय, पुलिस अधीक्षक
पश्चिमी महोदय के दिशा निर्देश में चलाए गए अभियान ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत वांछित अपराधी तलाश इनामिया वांछित अपराधियों के परिप्रेक्ष्य में आज रात्रि में असलाह बनाने की फैक्ट्री के संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चार व्यक्ति जैनपुर रोड पुल के पास में एक खंडहर में अवैध रूप से असलाह बनाकर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इस सूचना पर लालगंज की पुलिस द्वारा छापेमारी की गई तो चार अभियुक्त सलमान पुत्र मोहम्मद इब्राहिम, सरवर अली पुत्र खालिद, अंसार पुत्र साबिर, अनुराग मौर्य, शशांक। अमेठी में प्राइम टीवी की खबर का फिर से असर हुआ है। दरअसल जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर एक मरीज से 3,200 रुपए वसूले गए थे, जिसके बाद प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब इस मामले में एक्शन लिया गया है। साथ ही मरीज से लिए गए पैसों को भी वापस किया गया है। हम लोग सीएमओ कार्यालय का घेराव किए थे और प्राइम टीवी की जो दमदार खबर चली कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की खलबली मच गई कि उन्होंने दूसरे दिन ही इतनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी कि 3210 रुपए अधीक्षक द्वारा वापस किया गया। क्योंकि गरीबों के लिए जिस तरह से सरकारी अस्पताल बनाया गया और सरकारें चल रही हैं, सरकार गरीबों का काम कर रही है, लेकिन इस जनपद अमेठी में स्वास्थ्य विभाग के नाम पर गरीबों का खून चूसा जा रहा है। हम लोग पैसा दिलाए हैं तो वो प्राइम टीवी की मेहरबानी है कि इनको पैसा वापस मिला और ये लोग जिससे कर्जा ली थी उनको ले जा करके देंगी। इसके लिए महान खुशी, प्राइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम ऐसे ही सहयोग करते रहिए, किसी गरीब को न्याय मिले और किसी का धन गलत तरीके से डॉक्टर के हाथ में ना जाए। 3,210 रुपये हमें डॉक्टर ले रहे हैं और तोहरे सबके सहयोग से हमें 3,320 रुपये। किस बात के लिए पैसा आपसे लिया गया? इलाज के लिए। किस अस्पताल में? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि प्राइम टीवी ने एक खबर चलाई थी जिसमें एक दलित महिला से 3210 रुपए का सीएससी जामो सीएससी में लिए गए थे इलाज के नाम पर, और उसी पैसे वापस लेने के लिए किसान नेता रीता सिंह है जिन्होंने सीएमओ कार्यालय का घेराव किया था। उसके बाद जो अधीक्षक है जामू सीएससी के अधीक्षक द्वारा 3210 रुपए पीड़ित महिला को वापस किए गए हैं। जी वीरेन, उन अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया गया है जिन्होंने पैसे मांगे थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अधीक्षक के ऊपर सीएमओ मेहरा से जब बात की गई, अमेठी में सीमा मेहरा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अधीक्षक के ऊपर जांच बिठा दी गई है और अगर इनको अगर दोषी पाया जाता है तो इनको तत्काल प्रभाव से इनको पद से हटाया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र तिवारी जुड़े थे अमेठी से। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डे पर एक युवक ने बस से उतरते ही दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हमला होते देख आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई, जबकि इस मामले को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर दोनों युवकों में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते आज एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लखनऊ के गोसाईगंज में शर्फुद्दीन उलूम मदरसे में दो मासूम बच्चों को मां बाप ने मौलवी से अनोखी सजा दिलवाई है। दरअसल बार बार मदरसे से भागने पर तंग आकर मां बाप ने बच्चों को मौलवी से कहकर जंजीर से बांधकर रखने को कहा था। वहीं गोसाईगंज के एसएचओ ने बताया कि दोनों बच्चों के घर वालों ने लिखित में आवेदन दिया है कि उनके कहने पर ही मौलाना ने दोनों बच्चों को बांध कर रखा था। माने ये दो बार भाग चुका था घर, हमने कहा था कि हाफिज जी अगर ये अपील भागे तो इसको पकड़ के रखना, सख्ती कर देना, मान लो भागने ना पाए तो उन्होंने बांध दिया होगा। तो हमने कहा था कि किसी हाल में इसको पढ़ाना है, क्योंकि मेरा एक ही लड़का कोई घर में पढ़ा तो है नहीं, इस वजह से हमने इसको बोला। ये इससे पहले भी कई बार भाग चुका? दो बार घर भाग के जा चुका था और इनको फोन करके हम बुलाए थे।
फरुखाबाद में मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 अवैध शस्त्र लाइसेंस बनाने वाली मोहरे, 12 अवैध शस्त्र लाइसेंस की किताबें भी बरामद हुई है। जबकि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाकर सस्ते दामों में बेचते थे। एक गैंग पकड़ा गया है जो एसओजी सर्विलांस टीम और थाना मोहम्मदाबाद की टीम के द्वारा गुटबक किया गया है, जिसके अंतर्गत जो आपके फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाला एक गैंग है, जिनके पास से जो आपकी मोहर है, जो प्रशासन की अधिकारियों की मोहर है, वो बरामद हुई है। साथ ही साथ उनके पास से जो 5 अदद जो नाजायज सिंगल बैरल SBB खबर फरीदाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आधार कार्ड संचालक को 6 फर्जी मोहरों और फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपी के कब्जे से पार्षद, एमएलए और जिला शिक्षा अधिकारी की मोहरें भी बरामद की गई हैं, जिसने आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड तैयार करता था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली थी कि बतोला गांव है डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, वहां पे एक ये आधार कार्ड का एक सेंटर खोला हुआ है। वो श्रीमान जी क्या करते हैं कि फर्जी बहुत सारे ऑफिसर्स की, कुछ एमएलएज की उसने वो रखी हुई है स्टैम्प्स, और उनको मार के अटेस्ट करके और खुद ही किसी का भी आधार कार्ड में कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग करवानी हो, कोई नया बनवाना हो, वो फेक बना देता है। तो उसमें रेड की गई, उसमें बहुत सारी स्टैम्प्स वहाँ बरामद हुई हैं और अभी एक बंदा भी वहां पर राउंड अप हुआ है, तो लोकल पुलिस को बुला के वो लेकर ली। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मानिकपुर चेयरमैन मोहम्मद अबू जैद की दबंगई से कर्मचारी दहशत में है। मानिकपुर नगर पंचायत के हेड क्लर्क आत्माराम गुप्ता को चेयरमैन अबू जैद और उसके गुर्गों ने बेरहमी से पीटा है। वरिष्ठ लिपिक की पिटाई से मानिकपुर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है, साथ ही चेयरमैन अबू जैद और उसके गुर्गों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। औरैया में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा निझाई चौकी का निरीक्षण करने के बाद कैंप कार्यालय जा रहे थे, तभी उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रोडवेज बस स्टैंड के पास रुकवा कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई लोगों के चालान काटे गए, जबकि कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। वहीं इस अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहर में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आगामी दिनों में कानपुर देहात में राष्ट्रपति का आगमन होगा। आगामी 3 जून को हमारे निकट जनपद जो है कानपुर देहात, वहाँ पे आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी संदिग्ध वाहन जो भी जनपद में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कानपुर देहात की तरफ जा रहे हैं या हमारे जनपद में प्रवेश कर रहे हैं। बुलंदशहर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत नरसेना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आम के बाग में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने, तमंचे और हथियार बनाने का सामान बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस जनपद में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पाताल लोक ऑपरेशन को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। आज नरसेना पुलिस के द्वारा अवैध असलहे बनाने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम इकराम है, दूसरा मोनिश है। ये दोनों नरसेना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इकराम के विरुद्ध 5 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिसमें चोरी आज के हैं और जो मोनिश। बुलंदशहर के अनूपशहर क्षेत्र में किसानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जहां किसानों को फूलमाला पहनाकर एरिया ऑफिसर नितिन चौधरी ने किसानों को
शेयर सर्टिफिकेट वितरित किया है। साथ ही एरिया ऑफिसर नितिन चौधरी ने किसानों को हरित प्रदेश प्रोड्यूसर कंपनी से लाभ होने वाली विशेषताएं बताई। बता दें कि पश्चिमी यूपी के डेयरी किसानों द्वारा बनाई गई और स्वामित्व वाली संगठन हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान द्वारा किया गया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।